टुडे वी विल बी कवरिंग द सेकेंड चैप्टर फॉर द यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, इसमें इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में ही है. तो वी विल स्टार्ट विद दैट. टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आई यूज इन दिस चैप्टर, बीओटी एंड बीओपी. बीओटी इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत यूज होते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एनी ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग विद आर एनी ट्रांजेक्शन विच वी आर हैविंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा उसमें हम बीओटी और बीओपी काफी यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड फर्स्ट. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड is the difference between the net value of exports and the net value of imports. Kya hai beauty? Find total value of exports minus total value of imports. Simply, very easy definition. Balance of trade only deals with goods. मतलब जितने भी हम गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं उनका अकाउंट हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में डालते हैं. ठीक है, तो इट ओनली डील्स विद गुड्स, दिस इज इम्पोर्टेंट. अब ऐसे देख लो, सरप्लस कब होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट गुड्स को ज्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं. एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन. और अगर हमारे इम्पोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से, मतलब हम बाहर भेज ज्यादा रहे हैं एंड वेयर हम बाहर से सामान ज्यादा ले रहे हैं, तो वो हमारा हो गया अनफेवरेबल सिचुएशन. ठीक है, तो बेसिकली हमें यही देखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. बैलेंस ऑफ ट्रेड की अकाउंटिंग हम तब करते हैं जब हमें गुड्स के बारे में डील करना हो सिर्फ, एंड उसकी वैल्यू होती है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस नेट वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स. बस बैलेंस ऑफ ट्रेड में इतना ही है. कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के थोड़े और नाम है, सिंपली ट्रेड बैलेंस कह लो या फिर मर्चेंडाइज, क्योंकि इट ओनली डील्स इन गुड्स राइट, तो इसलिए मर्चेंडाइज मतलब गुड्स बैलेंस के नाम से यू कैन कॉल इट. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हो गया. नाउ लेट्स कम टू बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो दिस हैज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. कुछ कीवर्ड्स होते हैं डेफिनेशन में, सो वील गो थ्रू दोस. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. All economic transactions that take place between a country and the rest of the world. Rest of the world. Over a given period of time. Given period of time. For example, 1 year या जो भी है. तो balance of payment की definition ये है, it is a systematic record of all the economic transactions that takes place between a country and the rest of the world over a given period of time. अब balance of payment में हम देखते हैं कि क्या क्या components आते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि balance of trade में तो सिर्फ हमारे goods आते हैं, हम goods की accounting करते हैं, वो हो गया हमारा balance of trade के बारे में. अब हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है. ठीक है, सो लेट्स फाइंड एंड सी कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखो, एक हो गया विजिबल गुड्स. विजिबल गुड्स मतलब सिंपली जो भी हम गुड्स डील करते हैं, जैसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो देख रहे थे ना गुड्स, सेम वे गुड्स है. तो ऐसे देख लो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में और चीजें भी आएंगी. ठीक है, सबसे पहले विजिबल गुड्स, कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जांपल, एनी टाइप ऑफ गुड, क्लोथिंग
मशीनरी जो भी तुम मंगवाते हो वो विजिबल गुड्स में आ जाता है. सेकंड है इनविजिबल गुड्स. इनविजिबल गुड्स से मतलब जो भी सर्विसेज होती है, कोई भी आप अब्रॉड से सर्विसेज लेते हो वो आपकी इनविजिबल गुड्स में आएंगी. जैसे शिपिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, सो ऑल दिस कम अंडर इनविजिबल गुड्स. एनी सर्विस विच कैन नॉट बी फेल्ट एग्जैक्टली, आप उसको यूज करो बट फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते उस चीज को, दैट कम्स अंडर इनविजिबल गुड्स. देन देयर आर यूनिलैटरल गुड्स, जैसे गिफ्ट क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि सिर्फ वन साइडेड अफेयर है. One sided. You don't expect anything in return. It is just मैंने आपको gift दिया तो वो एक साइड से हो गया. मैं expect नहीं कर रही कि you have to give me something. So that is unilateral goods. Transfer के part होंगे capital received और capital payment. ठीक है, capital received का आप example ले लो. जैसे आपने कर दिया सेल ऑफ एसेट, तो आपने अगर एसेट बेच दिया तो आपके पास रिसीप्ट आ गई, आपके पास पैसे आ गए, सो दैट कम्स इन द कैपिटल रिसीप्ट. और इसका एग्जांपल रहना है कैपिटल पेमेंट का, तो परचेज ऑफ एसेट कि आपने पेमेंट किया एसेट का, इसलिए परचेज ऑफ एसेट में आ गया. ठीक है, तो हमने बेसिकली कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी पढ़े हैं. इसके चार कॉम्पोनेंट, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ एक विजिबल गुड्स कॉम्पोनेंट था, बीओपी हैज फोर कॉम्पोनेंट्स: विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. सो दीज आर सम फोर कॉम्पोनेंट्स जो आपको डेफिनेटली याद करने हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट और डेबिट में क्या फर्क है. एक बेसिक फर्क होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या फर्क होता है क्रेडिट डेबिट. तो क्रेडिट वो हो गया कि एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व receiving, which involves receiving, और debit वो हो गया वो transaction जिसमें आपको देना पड़ता है, you have to give. This is a very basic difference between credit and debit, कि अगर आपको कुछ मिल रहे हैं पैसे तो that is credit, और अगर आपको देने पड़ रहे हैं तो that is debit. Okay, तो अभी हमने balance of payment के चार components तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि balance of payment को हम दो अकाउंट्स में लिख सकते हैं. एक है करंट अकाउंट, इसको हम सॉर्ट ऑफ रियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, ब्रैकेट में हम रियल लिख लेते हैं. और एक है कैपिटल अकाउंट, इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट को लेफ्ट में लिखते हैं, डेबिट को राइट में लिखते हैं. ठीक है, इनके कॉम्पोनेंट्स देखते हैं. इसमें है क्रेडिट साइड, क्रेडिट मतलब जो कि हमें मिल रहा है, तो हमें किससे मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और हमें किसमें देना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये हो गया फर्स्ट कॉम्पोनेंट. एक हो गया कि ट्रांसफर रिसीप्ट, ट्रांसफर रिसीप्ट. और एक हो गया डेबिट साइड में ट्रांसफर पेमेंट, जो हमें देना पड़ रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है. ट्रांसफर रिसीप्ट, ट्रांसफर पेमेंट. इसके बाद आता है हमारा इनकम रिसीप्ट और
इनकम पेमेंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली ये मेन तीन चीजें आती है कि गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन और इनकम ट्रांजेक्शन। तो इससे करंट अकाउंट से हमें ये पता चल रहा है कि जितना भी हमारी जितने रियल इनकम लेवल है, रियल इनकम लेवल, वो हमारा डिटरमाइन करंट अकाउंट से हो रहा है, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है फाइनली यही जाके हमारा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सब बढ़ाता है। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब किससे बढ़ते हैं? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर रिसीट्स, इनकम रिसीट्स, इन सब से ही फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इसको हम रियल अकाउंट कह देते हैं। और दीज आर अफेक्टेड, दीज आर अफेक्टेड बाय इट, ठीक है। वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली हमारे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को, करंट अकाउंट। नाउ वी टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट। सो नाउ वी सीन करंट अकाउंट, नाउ वी गो फॉर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट डील्स विद चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स या लाइबिलिटीज में जब चेंज आए, इट इज अ चेंज बिटवीन, इट इंडिकेट्स अ चेंज बिटवीन इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री इन ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अ कैपिटल स्टॉक। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट तो डायरेक्टली हमारी इनकम को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है। जो कैपिटल अकाउंट है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे इसके कॉम्पोनेंट हम देखेंगे तो इससे पता चलता है कि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, कैपिटल स्टॉक में है द कैपिटल अकाउंट। विल गो थ्रू इट्स कॉम्पोनेंट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पोनेंट है बोरोइंग्स या लेंडिंग्स। बोरोइंग्स क्रेडिट साइड, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं तो हम बोरोइंग रिसीव कर रहे हैं, एंड डेबिट साइड सिंस वी आर लेंडिंग, तो हम पैसे दे रहे हैं, वी आर गिविंग समथिंग, तो लेंडिंग कम्स इन डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाके अब्रॉड में, तो हमें कोई चीज मिल रही है तो दैट इज क्रेडिट। एंड अगर बाहर वाला हमसे आके कुछ हमारे काम में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कुछ चीज मिल रही है, मतलब हमारी कोई चीज आ रही है, so that is debit from abroad. And then there is foreign exchange reserve. Obviously अगर foreign exchange reserve बढ़ रहे हैं हमारे, so then that comes in credit side. और अगर हमारे foreign exchange reserve कम हो रहे हैं so that comes in the debit side. तो इससे हमें ये पता चलता है कि directly income को तो affect नहीं कर रहा, no direct impact on income, no direct effect, no direct effect on income. ये सिर्फ जो कैपिटल स्टॉक है उसको कम कर रहा है या बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो दोनों आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं उसका रोल यही होता है कि इफ द करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट सो द कैपिटल अकाउंट शुड बी इन सरप्लस, इफ द करंट अकाउंट इज इन सरप्लस तो कैपिटल अकाउंट शुड बी डेफिसिट, सो दैट बैलेंस रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस वे में, ठीक है।